दोस्तों बी बॉयज जो है उसको लोगों ने आजकल प्यार करना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। आजकल लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, आजकल लोग बी बॉयज के वीडियो से दूर भागने लगे हैं। देखो दोस्तों ये मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसा ही एक कमेंट मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आया और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बी बॉयज है ना भाई वो आजकल उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जो बात है जो लोग कह रहे हैं कि बी बॉयज को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई क्या कारण है, और अगर कर रहे हैं तो भाई क्यों ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि बी बॉयज को आजकल लोग जो है वो पसंद नहीं करते। मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई अगर आप व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आप व्लॉग्स देखना चाहते हो तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि देखो भाई कुछ ना कुछ कमेंट्स मुझे इस तरह के आते रहते हैं जिसमें बी बॉयज से रिलेटेड क्वेरीज होती है, बी बॉयज से रिलेटेड सवाल होते हैं। और इसी तरीके का एक कमेंट मेरे पास आया जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाई जो बी बॉयज है ना उसका पॉपुलैरिटी आजकल घटता जा रहा है, लोगों ने उसको देखना छोड़ दिया है, लोग उसे आजकल पसंद नहीं करते। और भाई अगर आपको ये सब पता करना है तो उसके चैनल के जो वीडियोज है उनमें व्यूज देख लो। तो इन बातों में कितनी सच्चाई, तो देखो भाई जब भी बीबॉयज के बारे में कोई क्वेरी होती है या फिर बीबॉयज के बारे में कुछ कहा जाता है तो आपको पता है कि आपका ये जो भाई है ना ये खड़ा हो जाता है उस रियलिटी को आपके सामने लेकर के आने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि क्या सच में जो हुआ है वैसा बी बॉयज के साथ हो रहा है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले जो ये कमेंट आया था इसमें बी बॉयज के चैनल की व्यूज की बात कही गई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूं जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी बी बॉयज का आ रहा है उसमें देखोगे अगर आप तो सच में जो बी बॉयज का व्यूज है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। तो क्या इसका ये मतलब है कि लोगों ने उसको पसंद करना छोड़ दिया, लोगों ने उसको देखना छोड़ दिया, या फिर लोग आजकल उसके वीडियोज को देखना पसंद नहीं करते हैं? तो भाई देखो YouTube जो है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम सबको पता है कि जो बी बॉयज है उसके चैनल पर कई बार स्ट्राइक्स आ चुके हैं, और जब भी चैनल पर स्ट्राइक आता है तो उसका व्यूज जो है वो अल्टीमेटली ऐसा होता है कि भाई वो कम हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है। और दूसरा भाई जब हम भी वीडियोस जो भी अपलोड कर रहे हैं वो कई दिनों तक अपलोड नहीं करते चैनल पर, तब भी इस तरीके का हरकत होता है कि जो हमारा चैनल है उसमें व्यूज कम हो जाते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखना चाहते हो तो आप एडीज एम्पायर के चैनल को ही देख लो भाई, जहां पर कई महीनों से, एक डेढ़ दो महीने से मैंने कोई वीडियोज अपलोड नहीं किया, और अगर अब मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूं तो उन वीडियोज में व्यूज बहुत कम है। और बी बॉयज के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, बी बॉयज काफी दिनों के बाद जो है वो वीडियोस अपलोड कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है उसका जो व्यूज है ये कम होता जा रहा है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि लोगों ने उसको पसंद करना छोड़ दिया है। और दूसरी बात ये है कि गाइस देखो जब भी एक क्रिएटर होता है वो पुराना होता जाता है तो कुछ लोग जो है वो उससे उबना शुरू हो जाते हैं भाई, लोग धीरे धीरे करके किसी और कॉन्टेंट को पसंद करना शुरू करते हैं क्योंकि उस समय में उनका उम्र भी बढ़ जाता है, और उम्र जब बढ़ता है तो भाई उनका चॉइस भी डिफरेंट हो जाता है, वो कुछ और देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए भी बी बॉयज के चैनल पर व्यूज थोड़े से कम हुए जरूर है। जो व्यूज अगर आप पहले देखोगे तो मिलियन मिलियन में पहुंच जाते थे, आजकल वो 500-600 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, कोई कोई तो 300K में जाकर के अटक रहा है। और इसीलिए बी बॉयज अभी लोगों के सामने भी आया है और इंस्टाग्राम में स्टोरी शेयर करते हुए वो ये बता रहा है, यार नाटक बहुत ज्यादा हो गया मेरा, ये पता नहीं यार मेरा बहुत ज्यादा हो गया, अब से मैं बस यार वीडियो आना है वीडियो करना है जो भी करना है बस दिल से करना है और करेंगे यार, बहुत जल्द आ रहा है यूट्यूब में इतना ज्यादा कंटेंट डालूंगा, इतना भयानक अब साले देखते जाइयो, हम कहा नहीं कर सकता और कहा सकता है मिलके भाई, आप सबके प्यार एंड सपोर्ट हो तो क्या ही नहीं कर सकता यार। इन दिनों में मैं बहुत सारा कुछ कर लिया, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा हमने सह लिया, अब नहीं भाई अब करना है मेरे को, बस करना है
यार बहुत दिन मैंने रेस कर लिया, बहुत दिन मैंने बैठा, अब साला समझ में आ गया ये जिंदगी क्या है। अब रुकना नहीं है, बस करने का है। बस मिल रहा है यार भाई लोग, आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट ने तो यार भाई को कभी कभार इमोशनल में ले जाता है यार भाई। तो गाइज आपने सुना होगा कि बी बॉयज जो है वो आपको ये बता रहा है कि अब वो रेगुलर जल्दीबाजी में बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर के आएगा, कमाल कमाल के वीडियोस लेकर के आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गैप कर रहा है। और ये सोच उसके दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि उसने नोटिस किया कि उसका जो चैनल है उसमें व्यूज टोटली डाउन हो चुके हैं और अब वो कोई वीडियोज अपलोड कर रहा है तो उसमें ज्यादा व्यूज नहीं जा रहे हैं। तो भाई इसी कारण जो है बी बॉयज ने ये वीडियो अपलोड किया था, ये स्टोरी शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम। ही बात बी बॉयज की पॉपुलैरिटी की, तो बी बॉयज आज के दिन भी उतना ही पॉपुलर है जितना पहले हुआ करता था। हाँ ये सब कारण थे जिनकी वजह से जो है उनके चैनल पर व्यूज जरूर डाउन हुए हैं, लेकिन ये भी देखिएगा कि उनके चैनल के जो सब्सक्राइबर ग्रोथ है ना वो भी होता जा रहा है, उनके चैनल पे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं और ये धीरे धीरे करके 2 मिलियन के करीब वो पहुंच चुका है। और जब लोग किसी को पसंद नहीं करते ना तो वो 2 मिलियन के करीब नहीं पहुंचता है। तो भाई ये जो सारे कारण थे जिसमें मैंने आपको बताया कि उसका देर से वीडियोस को अपलोड करना और उसके बाद उसके चैनल पर बहुत सारे स्ट्राइक्स का आना और साथ साथ भाई लोगों का उम्र बढ़ता जाना, ये सारे कारण है बी बॉयज के जो वीडियोस है उसमें व्यूज के कम होने का। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि भाई बी बॉयज को आजकल लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया, उससे लोग नफरत करने लगे क्योंकि वो छपरी गिरी वाले हरकतें करता है, तो आपकी ये जो सोच है ना ये सब कुछ गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि भाई लोगों ने सच में उनके वीडियोस को देखना कम किया है और वो इसलिए है क्योंकि उनका जो उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उम्र बढ़ने के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, वो किसी और चीजों को देखना पसंद करते हैं। तो ये थी सारी बातें, अभी चलता हूं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।